हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू टूसा वाला जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम को फाइंड करना, कि हम पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम को कैसे फाइंड करेंगे। तो एक हमने क्वेश्चन भी लिया हुआ है और उसके लिए हम लोग पॉइंट्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, इसके लिए पॉइंट्स फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमको फाइंड करना होता है। तो यार देखो, तुमको अपने 11th 12th अपने जेई नीट के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पॉइंट्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करने पड़ जाते हैं कई बार। तो उसको फाइंड करने का प्रोसेस तुम बहुत अच्छे समझ लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, तुमको एक फंक्शन गिवन होगा y=fx। सबसे पहले तुमको क्या होगा, एक फंक्शन गिवन होगा y=fx। अब उसमें तुमको क्या है, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करने होंगे। तो तुम क्या है, पहले फंक्शन को नोट कर लेना, उसके बाद क्या करना, dy/dx निकालना। क्या करना, तुम dy/dx को फाइंड करना। जब तुम dy/dx को फाइंड कर लो तो तुमको क्या करना है, dy/dx को जीरो के इक्वल कर दूँ। जैसे ही तुम जीरो के इक्वल करोगे तो वहाँ से तुमको क्या कर लेना है, वहाँ से तुमको वैल्यूज निकाल लेनी है वेरिएबल्स की। जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज होंगी वो निकाल लेती हैं। अगर फंक्शन x का था तो जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी तुम्हारी वैल्यू ऑफ x। हो सकता है एक वैल्यू आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, जितनी भी वैल्यू आती है तुम्हारी उतनी वैल्यू तुमको क्या है, निकाल लेनी है। इसके बाद तुमको क्या करना है, इसके बाद तुमको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है d2y/dx2। इसको तुमको क्या है, फाइंड करना है। अब फाइंड करने के बाद देखो क्या करना है, फाइंड तुम्हारा जैसे d2y/dx2 हो गया, फाइंड करने के बाद तुमको क्या करना है, d2y/dx2 की जो वैल्यू है वो एट x=x1 फाइंड करनी है। उसके बाद d2y/dx2 की जो वैल्यू है वो एट x=x2 फाइंड करनी है। इसी तरीके से d2y/dx2 की जो वैल्यू है तुमको वो एट x=x3 फाइंड करनी है। और इसी तरीके से जितनी भी तुम्हारी वैल्यू हैं उनके लिए वो चीज़ तुमको क्या है, फाइंड कर लेनी है। जब तुम फाइंड कर लो तो फाइंड करने के बाद ये चेक करो, d2y/dx2 की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अगर d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम। क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम। अगर d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। बस ये तुम्हारा लॉजिक है। अगर सपोज कर लो x1 पर वैल्यू नेगेटिव आई है तो x1 को कहेंगे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम। अगर x2 पर पॉजिटिव आई है तो x2 को कहेंगे पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। तो इस तरीके से तुम अपनी जो वैल्यूज है वो तुम क्या है, फाइंड कर सकते हो कि मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू के लिए है और मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू के लिए है। तो ये सब चीज़ें तुम क्या है, फाइंड कर सकते हो। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। पहले तुमको क्या करना है, एक जो फंक्शन गिवन है उसको नोट कर लोगे, dy/dx फाइंड कर लोगे, उसको जीरो के इक्वल करोगे। जीरो के इक्वल करने के बाद जो भी x की वैल्यू है वो तुम फाइंड कर लोगे, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद तुम d2y/dx2 फाइंड करोगे, x1 पर, x2 पर, x3 पर। तो जितनी भी x की वैल्यू आई थी उन सारी वैल्यूज पर तुम d2y/dx2 फाइंड करोगे। फिर चेक करोगे d2y/dx2 तुम्हारा अगर नेगेटिव आया है तो उसको तुम बोल दोगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर d2y/dx2 पॉजिटिव आया तो उसको तुम बोल दोगे पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो तुम समझ गए होगे। बाकी का मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में चला गया हूँ,
और इसका स्क्रीनशॉट लेने का, इसको अच्छे से समझ लो। अब देखो, अब मेरे पास जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को करूंगा कि भाई कैसे तुमको निकालना है, तुमको निकाल कर भी दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, जिससे कि तुम एग्जाम में निकाल पाओ। तो चलो, एक हमने फंक्शन ले लिया है, तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं और चेक करते हैं जो हमको फंक्शन गिवन है उसके लिए पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम क्या है, पॉइंट्स ऑफ मिनिमम क्या है। तो देखो, अब हमको जो गिवन डेटा है उस पर आते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। इसको आप जो है फंक्शन को ऐसे लिख लो, 5y2x² लिख लो, इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। अब देखो, हम क्या कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन का जो फंक्शन है उसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो थोड़ा हम लोग साइड से करते हैं, जिससे कि जो हमारा पूरा सोल्यूशन है वो पूरे बोर्ड में आ जाए। तो y की जो वैल्यू आपको गिवन है वो दी गई है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव में तुमको करना बताया था पार्ट वन में, इसीलिए मैंने तुमको पहले बताया था, क्योंकि अगर तुमको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आते होंगे तो भाई दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने तुमको पहले बता दिया था। तो पार्ट वन जाके देख लेना अगर तुमको डेरिवेटिव करना नहीं आता है। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए तुम क्या करो, एक्स क्यूब का करना है, तो 3x 3 माइनस 1 होता है 2, अपॉन में 3 था, अपॉन में 3 कर दिया, माइनस 5 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का होगा 2x डिफ्रेंसिएशन, 6x का होगा तुम्हारा 6। इसके बाद जो dy बाई dx तुम्हारा आ गया सॉल्व करने पर, 3 से 3 कट गया तो तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया ये आ गया तुम्हारा 5x, और यहाँ तुम्हारा आ गया 6। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम dy बाई dx को जीरो कर देंगे, क्योंकि हमको x की वैल्यूज निकालनी है। तो dy बाई dx को तुम लिख दो जीरो, dy बाई dx इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट लाइन में तुम लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब देखो, तुमको मैंने एक पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पहले से बताया था, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टर कर लो तुम सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद x को तुम कॉमन ले लो, x माइनस 3, इधर माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। फिर नेक्स्ट लाइन में तुम आओगे तो तुम्हारा यहाँ पे देखो ध्यान से x माइनस 3 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 3 को तुम क्या करो, कॉमन ले लो, तो तुम्हारा ये आ गया x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से तुम वैल्यूज निकालते हो x की, तो x की तुम्हारी दो वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से अगर हम नेक्स्ट लाइन में आए तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो तुम्हारी टू वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d2y by dx2। कैसे निकालेंगे, dy dx करेंगे, किसका करेंगे, dy by dx का करेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन फिर से कर देते हैं। तो dy dx करना है, किसका करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था तुम्हारा, यह आया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कर दो इसका डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x 2 माइनस 1, मतलब 2x, x का 1 होता है, 6 का 0 होगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2x माइनस 5। ये तुम्हारा आ गया d2y अपॉन dx2। अब हम क्या करेंगे, 3 पर वैल्यू फाइंड करेंगे d2y dx2 की, और 2 पर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, d2y अपॉन dx2 यहाँ लिख देते हैं हम x इक्वल टू 3, इस तरीके से फाइंड करते हैं, नीचे छोटा लिख देते हैं x इक्वल टू 3, इक्वल लगाते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 रखिए यहाँ पर, x की जगह 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये आएगा 6 माइनस 5, और 6 माइनस 5 होता है 1, और 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, मतलब ये नंबर कैसा आ गया है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम, मतलब एक्स इक्वल 3 पर जो वैल्यू है वो है पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो एक्स इक्वल 3 को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम।
अब एक्स इक्वल टू टू के लिए देख लेते हैं, इसके लिए क्या आता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू करोगे, एक्स इक्वल टू टू यहाँ लिखोगे साइड में, इक्वल का साइन लगाओगे, फिर टू एक्स माइनस फाइव है तो टू एक्स की जगह टू लिखोगे, माइनस फाइव लिखोगे, फोर माइनस फाइव लिखोगे, इक्वल आएगा माइनस वन, माइनस वन आया मतलब नेगेटिव आया, और नेगेटिव आया तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव को क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कब आया, एक्स इक्वल टू टू पर क्या आया है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो हमारा जो आंसर हो गया फाइनली वो क्या हो गया, अगर हम आंसर को कंक्लूड करें तो x इक्वल थ्री पर हमारा आंसर होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, और x इक्वल टू पर हमारा आंसर होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ओवरऑल तुमने सारे वैल्यूज को देखा, कैसे वैल्यूज निकालना है, तो तुमने समझा पूरा क्वेश्चन। एक बार मैं तुमको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। जो फंक्शन दिया था उस फंक्शन को लिखा, उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री आ गया, सिक्स आ गया, उसको हमने जीरो के इक्वल किया, जीरो के इक्वल करने के बाद क्वाड्रेटिक बना, उसको हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू थ्री और टू आ गई। थ्री और टू आने के बाद हमने उसका डबल डेरिवेटिव निकाला, तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का डी वाई डी एक्स किया, फर्स्ट डेरिवेटिव की यहाँ वैल्यू रखी, इसका डी वाई डी एक्स किया तो टू एक्स माइनस फाइव आया, टू एक्स माइनस फाइव आया तो हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू थ्री पर और एक्स इक्वल टू टू पर वैल्यू निकाली। एक्स इक्वल टू थ्री पर वैल्यू निकालने पर हमने देखा टू इंटू थ्री माइनस फाइव, तो इसको हमने सॉल्व किया तो प्लस का वन आया, प्लस का वन तुम्हारा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम, मतलब एक्स इक्वल टू थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमम को। फिर हमने x इक्वल टू टू पे निकाला तो हमने देखा d2 टू वाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू टू पे क्या है, टू इंटू टू माइनस फाइव, फोर माइनस फाइव हुआ जो कि माइनस वन आया, और माइनस वन तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 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 क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम को। तो अगर हम फाइनली आंसर को दें इस क्वेश्चन के लिए तो हम बोलेंगे x इक्वल टू थ्री पॉइंट ऑफ मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है और x इक्वल टू टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल तुमने जाना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम तुमको कैसे फाइंड करना है। तो अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछो। अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ऑलरेडी तुमको बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट वन से पार्ट फाइव तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो तुम बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख के अपनी फिजिक्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।